हेलो दोस्तों, एक भौकाल लेके आते हैं अब हेलो फॉर्म रिएक्शन का। भाई कि ये हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है और इसका शॉर्टकट कैसे करना है। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाए और उसी टाइम आपने क्या कर देना है, आंसर लगा देना है। ये कब हो सकता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन को जानने के लिए सबसे पहले जो ये टर्म है ना, हेलो फॉर्म, इसको समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। दरअसल इस हेलो फॉर्म का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन से। क्या होता है बताओ? हेलोजन से। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पक्का हेलोजन जुड़ना जुड़ता होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है। एनीवे, बेसिकली ये रिएक्शन होती है मिथाइल कीटोन के ऑक्सीडेशन की, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, सही है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन की ये रिएक्शन है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें रिएजेंट जो यूज होता है उसको ना डायरेक्टली कैसे लिखें, मतलब रिएजेंट क्या यूज होता है इसका पता कैसे करें, उसको समझते हैं, है ना। इसमें ना रिएजेंट यूज होता है अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ आए कि भाई NaOH है प्लस X2 है तो भी मान जाना, या फिर आपको लिखा आए NaOX लिखा आए तब भी मान जाना। वेयर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कौन कौन सा होगा बताओ? एक तो Cl होगा हेलोजन, दूसरा होगा आपका Br होगा, और तीसरा होगा क्या बताओ? I होगा, बस इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, चलते हैं रिएक्शन में कैसे क्या होता है। आपको क्या बोला मैंने, मिथाइल कीटोन का ऑक्सीडेशन। सुनना, मान लो एक कोई आपको दे दिया है एग्जाम्पल CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दे दिया CH2CH3, और आपसे पूछा कि बताइए क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं। तो बिल्कुल देगा। आपको क्या करना है, ये वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, इसके बगल में CH3 देखना है, CH2 नहीं देखना है, केवल CH3 देखना है। आई बात समझ में? अब देखो, हमें करना क्या है, आंसर लिखना कैसे है उसको समझें। लेट सपोज इसी रिएक्टेंट को मैं NaOCl के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या आंसर लिखेंगे उसको बताता हूँ। एक काम करना, ये जो CH3 है ना, यहाँ पे इस तरफ वाला, इस CH3 को ना CHCl3 में चेंज कर देना। ठीक है, अगला, अब बचे ये बॉन्ड टूट गया होगा, अगर ये बॉन्ड टूट गया होगा तो आप क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बचा होगा और इसकी तरफ क्या बचा होगा बताओ? CH2 और CH3 बचा होगा। अच्छा, इस तरफ क्या कर देना ना, आप एक ही चीज लगा देना जिसका नाम है O माइनस कर देना, आंसर हो गया। अगला चलते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया मैंने मैंने दे दिया यहाँ पे कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और आपको दे दिया यहाँ पे ET दे दिया, इथाइल दे दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ NaOBr के साथ। आप कैसे आंसर लिखेंगे उसको समझो। ये बॉन्ड को तोड़ दो, और ये जो CH3 दिख रहा है ना, इसको CH3 मत बनाओ, इसको बना दो CHBr3। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे Br दे रखा है, तो 3 Br लगा दो। प्लस क्या कर दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो बचा होगा, यहाँ पे ET भी बचा होगा, लेकिन इस C डबल बॉन्ड O के बाद जहाँ पे जो CH3 था यहाँ पे O माइनस लगा दो, आंसर यही होता है। अगला, अगर इसी की रिएक्शन मैं NaOI के साथ करवाता तो आपका आंसर बन जाता CH3 प्लस क्या हो जाता, O माइनस C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाता बताओ? ET हो जाता। अब बताता हूँ, ये जो CHBr3 है इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म। क्या होता है? इसका नाम ब्रोमोफॉर्म। और ये जो CHI3 है इसका नाम होता है आयोडोफॉर्म। क्या होता है बताओ? आयोडोफॉर्म। इससे पहले वाला कौन सा था बताओ? इससे पहले वाला कौन सा था? इससे पहले वाला था आपके पास एक जो पेज था, इसमें मैंने लिखा था CHCl3, इसका नाम क्या होता है बताओ? क्लोरोफॉर्म होता है ना। अब इसका मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब के सब क्या होते हैं बताओ? हैलोजन होते हैं। क्या होता है? हैलोजन होते हैं। इसलिए इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है बताओ? हेलो फॉर्म रिएक्शन बोला जाता है। बस हो गया, इतना ही होता है, इससे कुछ होता ही नहीं है भाई, इससे कुछ भी नहीं होता है आगे। बस दो ही चीज़ याद रखना, एक आपके पास NaOX होगा, है ना, ये वाला होगा, एक NaOX होगा जिससे X से X कुछ भी बनाएगा,
और एक्स जो बनाएगा आपका तीन जुड़ जाएंगे, बस हो गया, इतना ही होता है। थैंक यू सो मच।